कि जदयू के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए कि जदयू के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए कि जदयू के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए। वहां सब लोग अपने अपने अरमान लेके गए, नीतीश बाबू भी अपने अरमान लेकर के गए। वो मुख्यमंत्री गद्दी ऐसे ही छोड़ेंगे क्या बिना कोई राष्ट्रीय प्रोफाइल के? भले वो कुछ बोले लेकिन नीतीश जी समझते हैं कि हम पीएम के लायक हैं। राहुल गांधी क्यों, खड़गे क्यों, तो ममता जी कहेंगी मैं क्यों नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। हमारी मौजूदगी अभी पटना एयरपोर्ट पे है। पटना एयरपोर्ट पे पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे और साफ तौर पर कह दिए कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अब पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अब जो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में जो खलबली है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नाराजगी देखने के लिए जो है मिल रही है। ललन सिंह को अब इस्तीफा देना होगा, ऐसा कहना रविशंकर प्रसाद का है। रविशंकर प्रसाद साफ तौर पर कहे कि जिस तरह से जो है इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रही, इसको लेकर के लगातार जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की अब जो गाज है ललन सिंह पर गिरेगी और ललन सिंह को अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या कुछ कहते हैं पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, ये सुनिए। उनको क्यों इंडिया गठबंधन में कोई तवज्जो नहीं मिली? ये सवाल आप मुझसे ना पूछिए, ये सवाल आप उन लोगों से पूछिए। ये तो होना ही था ना, एक कहावत है, ये तो होना ही था, इसमें नया क्या है? वहां सब लोग अपने अपने अरमान लेके गए, नीतीश बाबू भी अपने अरमान लेकर के गए। वो मुख्यमंत्री गद्दी ऐसे ही छोड़ेंगे क्या बिना कोई राष्ट्रीय प्रोफाइल के? भले वो कुछ बोले लेकिन नीतीश जी समझते हैं कि हम पीएम के लायक हैं। राहुल गांधी क्यों, खड़गे क्यों, तो ममता जी कहेंगी मैं क्यों नहीं। यही तो कहानी है, तो इस कहानी में तो होना ही था ना। इसलिए ऐसा है, ये कहानी में कुछ भी हो, कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद। और अब तो और स्पष्ट हो गया, एक ही बात मैं अवश्य कहूंगा, तीन राज्यों में इतनी भयंकर हार के बाद मुझे लगता था कि थोड़ा सुधरेंगे, थोड़ा संभले लेंगे, लेकिन कोई हाँ अच्छा है, हमने भी सुना है। हालांकि एक खबर उनके बारे में छपी है आज इंडियन एक्सप्रेस में, मैं पढ़ के आया कि जदयू के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए, तो ये भी ऑल इज वेल। धन्यवाद। सांसद निलंबन पे क्या कहेंगे सर? लेकिन आगे ये प्रियांक खड़े बोल रहे हैं कि आप लोग को कानून की जानकारी नहीं। एक बात समझिए आप, मैं हाउस में था, इसमें इन लोगों ने, बहुत लोगों ने तो विनती करके कहा हमें निकाल दो, और ये तो स्पीकर साहब ने भी कहा कि लोग अंदर आके बोल रहे थे कि हमारा सीआर खराब हो रहा है। आप इन लोगों ने बकायदे वहां एग्रीमेंट किया कि नई बिल्डिंग में हम लोग प्ले कार्ड नहीं लेके आएंगे, आप खुराफात किया, चलिए ठीक है, तीन चार लोग कहे ठीक है, अच्छी बातचीत चल रही थी नए सत्र में, एकाएक कहा कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे, तो हम लोग प्ले कार्ड लेके आएंगे, तो हमको निकाल दीजिए। तो हमको लगा कि इतनी बड़ी हार के बाद थोड़ा तो मर्यादा रहेगी, फिर भी वही हाल है, तो क्या करें, ले दीजिए, इसलिए निकाला गया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि पूरी कोशिश की, आप आइए और एक ऐतिहासिक बिल पारित हुआ। मुझे बहुत संतोष है कि जो तीनों आईपीसी सीआरपीसी भारतीय न्याय संहिता पर बहस हुआ, उस बहस को मुझे ही शुरू करने का सौभाग्य मिला। ये ललन सिंह के धक्का मिलेगा इस बार, अलौकिक ऐतिहासिक नतीजे होंगे लोकसभा के चुनाव के। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।